अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं मंगोचिया और आलू की रेसिपी लाई हूँ, उनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये मैंने रात को दाल भिगो दी थी तो ये इस तरह की हो गई है, देखें अच्छी तरह फूल रही है और ये देखें टूट भी गई है, तो इसको हम पीस लेंगे। और जो मंगोच पीसने के बाद फिर हम इसमें कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज एक डालेंगे। और ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए वो हम बाद में आपको बताते हैं, तो मिलते हैं दाल पीसने के बाद। ठीक है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स बताएं कि आपको ये मंगोची आलू की रेसिपी कैसी लगी। सही है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने दाल रात भर भिगोई थी, 125 ग्राम थी, वो मैंने भिगो के पीस ली। अब इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे, कुटी लाल मिर्च है, नमक और हरी मिर्च है आप अपने हिसाब से लीजिए, हसबेंड आएगा, हल्दी है, हरा धनिया और प्याज, ये सब हम इसमें डाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर मिक्स करते हैं जब तक हम ये इस पे ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए। अच्छा, जो हम इसका शोरबा बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे, तो उसके लिए ये एक प्याज है, चार टमाटर हैं छोटे, इसको हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और फिर हमने लाल मिर्च पीसी हुई है एक चम्मच, धनिया है एक चम्मच, हल्दी है, और ये भगा के लिए हम लेंगे दाना मिर्च, आलू, अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, नमक और ये ऑयल, इसको हम फ्राई करते हैं सब पहले। एक पैन के करीब हमने ले लिया ऑयल, इसको अब हम मिक्स करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी फिर हम बनाएंगे बढ़िया मंगोचियाँ। मंगोचियाँ बना के फिर हम इसको मसाला बनाएंगे, मसाले में फिर हम इसको पकाएंगे, पहले हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, अच्छा से देखिए, एक बार आप लोग खाएंगे बार बार बनाएंगे, बहुत मज़े की बनती है। ऑयल गर्म हो जाए अच्छा से, तो फिर हम इसको फ्राई करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा डाल के देखते हैं ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है। ये हमारा ऑयल अच्छा तो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बढ़िया डालते हैं, हाथ से ही मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जितनी बड़ी चाहिए, बढ़िया छोटी बड़ी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से हम बारी बारी मंगोचियों को पलट लेंगे,
सुनहरा होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें आप, इसी तरह से हम सारी फ्राई करके फिर मिलते हैं आपसे। ये देखें ये मेरी हो गई है लंगोचियाँ, इनको मैं निकाल रही हूँ। माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, कितनी प्यारी बनी है। जो बाजार से मिलती है वो बढ़िया होती है, भाभड़िया, और ये घर में जो बनाते हैं इनको बंगोचियाँ कहते हैं, और ये बहुत मजे की बनती हैं। इस टाइम पे इसको चटनी के साथ भी हम खा सकते हैं रमजान में बनाकर। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। चलो ये देखिए, अब हम इसमें जिसमें हमने फ्राई करी थी ना ये मंगोचियाँ, वही ऑयल हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, हमने ये बनाया था, सबसे पहले हम ये डालेंगे, ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे दाना मेथी थोड़ी सी। दाना मेथी का जो है बड़ा अच्छा आता है, तो ये शुरू कर रहे हैं तो फिर हम इसमें डालते हैं। आप एक बार जरूर बनाइएगा। आप मेरे चैनल को देखते हैं, अगर कमेंट नहीं करते लाइक लाइक तो करते हैं, कमेंट नहीं करते, कमेंट भी करें अच्छे से, और मेरे चैनल को लाल उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपने फीडबैक से बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो हम इसमें डालेंगे टमाटर और प्याज, हमने ये पीसा है, इसमें ये डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई, हल्दी आधा चम्मच, कटा हुआ धनिया एक से आधा चम्मच, ठीक है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भून लेंगे। इसको अब हम भूनेंगे, फिर भूनने के बाद आप तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। मसाले में तेल खोलना शुरू कर दिया है, इस टाइम पे हम नमक भी डाल देंगे। और ये आलू डाल के हम थोड़ा उसको भून लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आया, लेकिन इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली, फिर भी कलर देखिए आप कितना प्यारा है। माशाल्लाह से हमारे माशाल्लाह से सालन बन चुका है। अब हम इसमें जो हमने फ्राई की थी मंगोचियाँ ये डालेंगे, जिसके अंदर हम एक बता दें। अब इसमें हम लगा देंगे शोरबा। अच्छा, ये मंगोचे जो हमने पानी पीती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी जाएगा, ताकि जब हम इसको वो चूल्हा बंद करें तो पानी इसमें शोरबा हमारे बराबर हो। अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चले आए, देखते हैं हमारा सालन रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अब हम इसको चूल्हे को कर देते हैं बंद और उसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइए कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं एक कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।